एक्सरसाइज बेटा 4.2 कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ, पेज नंबर बेटा 135। हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन वन बेटा, डीएक्स डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास बेटा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे बेटा हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे, पुट करेंगे बेटा यहां पे एक्स इक्वल्स टू ए साइन हाइपरबोलिक एक्स, या आप इस पे लेट कर सकते हो एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। ठीक है, ए टेन थीटा आपकी मर्जी है बेटा, वो आप जो मर्जी लेट कर लें, यहां पे जेड लेट कर लें। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन हाइपरबोलिक जेड। अब लेट की वैल्यू का बेटा डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, साइन हाइपरबोलिक जेड का बेटा डिफरेंशियल होगा कॉज हाइपरबोलिक जेड और साथ बेटा डी जेड। ये टू वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करें, ऊपर आ गया बेटा ए कॉज हाइपरबोलिक जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर में बेटा आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आप यूज करेंगे ए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। ठीक है, मीन ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। ओके बेटा, ए कॉज हाइपरबोलिक जेड ऊपर और डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर आ गया वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी। अब बेटा एक फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बेटा वन के, तो यहाँ से साइन राइट साइड पे शिफ्ट करें तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे यूज करेंगे, वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ए कॉस हाइपरबोलिक z ओवर, यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z और साथ बेटा dz, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, फाइनली आएगा a cos हाइपरबोलिक z ओवर a cos हाइपरबोलिक z d ऑफ z। ये बेटा कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 d ऑफ z। अब 1 की इंटीग्रेशन होगी z के मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू z, दैट इज z, z प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट लिख लें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अब बेटा यहाँ पे z की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, आपका क्वेश्चन x में है तो आंसर भी किस में आना चाहिए, x में। z की वैल्यू आप वहाँ से निकालेंगे जिसको आपने लेट किया हुआ है, तो यहाँ से z की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, a इधर आके डिवाइड होगा और साइन इधर आके साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, मीन आप इसकी जगह पर लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और साथ बेटा x ओवर a। ठीक है, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है, कांस्टेंट लिख लें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। क्लियर, z की वैल्यू हमने जहां से लेट किया हुआ है वहां से फाइंड करके यहां पे z की जगह पुट कर दी। क्लियर, क्वेश्चन टू बेटा, क्वेश्चन टू हमारे पास है dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां पे बेटा सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, x इक्वल्स टू ए कॉज हाइपरबोलिक z, या फिर आप इस पे सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हो x इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा। ठीक है, ए सीकेंट कर लें या ए कॉज हाइपरबोलिक कर लें, दोनों आपके दोनों में से आपको जो अच्छा लगे बेटा आप वो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ x इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक z, तो बेटा इसका डी एक्स फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल कॉस का बेटा होता है साइन हाइपरबोलिक जी और साथ डी जी, ऊपर आ जाएगा बेटा ए साइन हाइपरबोलिक जी और साथ डी जी, डिवाइड्स में बेटा आएगा एक्स की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस ए स्क्वायर। ओके बेटा, ए साइन हाइपरबोलिक जी और डिनोमिनेटर में बेटा आएगा आपके पास ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस वन। इसी फार्मूले से आप कॉस का बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे वन इस साइड पे, साइन उस साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। क्लियर, ए साइन हाइपरबोलिक जी डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी डी ऑफ जेड। ओके बेटा, ए साइन हाइपरबोलिक जी ओवर ए साइन हाइपरबोलिक जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वैल्यूज कैंसिल बेटा, वन डी ऑफ जेड, वन की बेटा इंटीग्रेशन है जी। अब जेड की जगह आपने यहां से जेड की वैल्यू फाइंड करके यहां पे पुट करनी है, दैट इज
कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन थ्री बेटा, टैन की हमारे पास इंटीग्रेशन, टैन एक्स की बेटा इंटीग्रेशन, टैन की, टैन को आप इस तरह से लिखोगे साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज। अब नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे बेटा, तो नीचे वाली का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन, तो यहां पे आप प्लस को लिख सकते हैं माइनस माइनस, क्या लिखेंगे बेटा माइनस माइनस, और साथ बेटा डी ऑफ एक्स। अब नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक अगर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर आए तो नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या लिखते हैं आप ln, ठीक है, लॉग नेचुरल। ओके, अब यहां से भी बेटा प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूं यहां पे, ln a की पावर b इक्वल होता है बेटा b ln ऑफ a, तो b ln ऑफ a को इस तरह से लिख लें, मीन b की जगह यहां पे माइनस वन है तो माइनस बेटा ऊपर ले जाएं, तो ln cos x की पावर इनवर्स बेटा, अब आप इसको इस तरह से लिख लें वन ओवर cos x। अब बेटा आपको पता है वन ओवर cos x जो है वो किसके इक्वल होता है secant x, अब यहां पे आप secant x लिख लें। क्लियर? अब ln secant x इज आवर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन फोर बेटा हमारे पास है इंटीग्रेशन cot x, cot की बेटा इंटीग्रेशन, cot को करें cos ओवर sin x बेटा। अब साइन का डेरिवेटिव ऑब्वियसली ऊपर है तो आप नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या लिखेंगे ln रूल के मुताबिक, ठीक है, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है ln साइन एक्स। फाइव बेटा secant x, इसकी इंटीग्रेशन हम, वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है लेकिन आपने इसकी इंटीग्रेशन फार्मूला प्रूव करना है तो आपने बेटा इसमें एक पॉइंट याद रखना है, वैसे secant की इंटीग्रेशन होती है ln secant plus tan, secant की इंटीग्रेशन क्या होती है ln secant x plus tan x, उसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये पॉइंट आप याद रखें, secant plus tan से बेटा मल्टीप्लाई करें और secant plus tan से बेटा डिवाइड करें, फर्स्ट स्टेप इसमें याद रखें। अब secant को मल्टीप्लाई करें secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x, डिवाइड में बेटा आएगा हमारे पास secant x प्लस tan x। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें तो नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर है, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टेन और टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, अगर आप नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो यही आएगा बेटा जो न्यूमिरेटर में है, तो रूल के मुताबिक अगर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या लिखते हो ln, ln सीकेंड x प्लस टेन x, ये एक फार्मूला हो गया बेटा। लेकिन अगर आप मजीद इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी बेटा हो जाएगा, अब सीकेंड को आप लिखें वन ओवर कॉस और साइन को लिखें बेटा, टेन को लिखें साइन ओवर कॉस, कॉस बेटा एलसीएम आएगा, कॉस एलसीएम ऊपर आ गया बेटा वन प्लस साइन एक्स। क्लियर? वन प्लस साइन एक्स। अब बेटा यहां से आके आपने फॉर्मूला यूज करना है, वन की जगह आप लिखें साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, मैं आपको यहां पे ड्राइव करके बता देता हूं। ये देखें बेटा साइन टू अल्फा का हमारे पास फार्मूला था टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू, तो 2 अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, डिवाइड भी किससे होगा अल्फा से, ठीक है। ओके, तो यहां पे साइन एक्स की जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू बेटा, और डिनोमिनेटर में बेटा इसी तरह से कॉस 2 अल्फा का एक फॉर्मूला था, कॉस 2 अल्फा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी डबल एंगल का फॉर्मूला, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कॉस अल्फा इक्वल आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, सेम जैसे आपने साइन अल्फा टू मल्टीप्लाई हो रहा था अल्फा के साथ अल्फा से ही डिवाइड किया, इधर भी टू अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी अल्फा से ही होगा, तो ये बेटा फार्मूला में मैंने अमेंडमेंट करके यहां पे ये नए फार्मूले बना दिए जो आप यहां यूज करेंगे, तो कॉस एक्स की जगह आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू, ये फॉर्मूले बेटा याद भी रखें, आगे भी यूज होंगे ये बार बार सिक्स चैप्टर के अंदर।
ओके बेटा, अब आप अगर गौर करें तो ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फार्मूला ओपन है बेटा, आप इसे क्लोज करें, कॉस को पहले लिख लें, ए माइन प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये फार्मूला हमने क्लोज किया, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे फार्मूला यूज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू इन टू ए माइनस बी कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बेटा, ये वैल्यू इससे कैंसल, रिमेनिंग वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, रिमेनिंग वैल्यू है बेटा ln ऑफ cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू, डिवाइड में बेटा आएगा आपके पास cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू, क्लियर स्टूडेंट्स? अब मजीद यहां पे आप देखें, इसको आप लिख सकते हो cos से बेटा मल्टीप्लाई cos से डिवाइड, जब इन दोनों को cos से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन x बाय टू, और नीचे भी cos से मल्टीप्लाई cos से इन दोनों को डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन x बाय टू, क्लियर? इसके बाद बेटा आप इस 1 की जगह लिखेंगे tan 45 डिग्रीज प्लस tan x, और यहां पे 1 यूज करके आप इधर लिखेंगे tan 45 डिग्रीज और tan x बाय टू, ठीक है बेटा? अब ये फॉर्मूला कंप्लीट है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो बेटा फॉर्मूला मजीद क्लोज करें तो ये आ जाएगा आपके पास tan हमारे पास बेटा x बाय टू और प्लस 45 को आप लिखते हो पाई बाय 4, तो फार्मूला ओपन था tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, फार्मूला ओपन था बेटा, आपने इसको क्लोज किया, तो टू फार्मूलाज हैं सीकेंट के, एक ये और एक ये भी यूज करेंगे बेटा हम क्वेश्चंस में, ये भी यूज करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया, क्लियर? क्वेश्चन 6, सीकेंट के बाद आएगा बेटा कॉसिकेंट, कॉसिकेंट एक्स डी ऑफ एक्स, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट की इंटीग्रेशन होती है बेटा एल एन कॉसिकेंट माइनस कॉट, तो उसको आपने माइंड में रखते हुए आपने कॉसिकेंट माइनस कॉट से बेटा मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड, कॉसिकेंट माइनस कॉट से मल्टीप्लाई बेटा और डिवाइड, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी ऑफ एक्स, क्लियर बेटा? ओके बेटा, कॉसिकेंट को मल्टीप्लाई करें, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, डिवाइड में बेटा कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी ऑफ एक्स, ओके बेटा सेम एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर है बेटा, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर, और कॉसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, मीन नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे वाली वैल्यू के साथ आप नेचुरल लॉग लिखेंगे, तो यहां पे बेटा आ जाएगा आपके पास एल एन ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, एक तो फार्मूला बेटा ये है कॉसिकेंट का, दूसरा इसको मजीद सिम्प्लीफाई करके फार्मूला बनाते हैं बेटा, कॉसिकेंट को आप करें वन ओवर साइन और कॉट को करें बेटा कॉज ओवर साइन, क्लियर? अब बेटा सेम साइन आप एलसीएम लेंगे, साइन एक्स ऊपर आ गया वन प्लस कॉज एक्स, ओके बेटा अब यहां पर फार्मूला है वन प्लस कॉज एक्स, टू फार्मूलाज हैं बेटा, इधर लिख रहा हूं वन प्लस कॉस एक्स आ जाए तो आप इसकी जगह लिखते हो टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, और अगर आ जाए वन माइनस कॉस एक्स तो इसकी जगह लिखते हो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, फॉर्मूले बेटा अच्छी तरह से याद होने चाहिए आपको, तो वन प्लस कॉस एक्स इक्वल है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का बेटा ये फॉर्मूला, ये जो मैंने यहां पर अमेंडमेंट की हुई है फॉर्मूला में, तो टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, यहां से बेटा टू टू कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है ऊपर कॉस एक्स बाय टू और नीचे बेटा साइन एक्स बाय टू, ओके बेटा एल एन ऑफ कॉट एक्स बाय टू, तो ये बेटा कॉसिकेंट का फॉर्मूला है कॉट एक्स बाय टू। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है बेटा, इसको आप लेट करके भी कर सकते हैं या इस पर एक रूल भी लगा सकते हैं पावर रूल, लेकिन पावर रूल के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना बेटा लाजमी है, तो आप क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसमें और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2ax प्लस 2b।
अब अगर आप गौर करें तो फंक्शन पावर फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा साथ है, तो इस सिचुएशन में आप पावर रूल यूज़ करेंगे। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स फंक्शन पावर और फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ है तो आप पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर में बेटा एक ऐड करेंगे और उसी पावर के साथ डिवाइड करेंगे। ये रूल के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 तो सिर्फ फंक्शन की पावर में बेटा एक ऐड करेंगे, मीन एन प्लस वन ओ उसी से डिवाइड करेंगे एन प्लस वन। बेटा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल हमारे पास है बेटा 1 + x / 1 - x। तो इसको आप रैशनलाइज की मदद से करेंगे, 1 + x / 1 - x मल्टीप्लाई करें बेटा 1 + x / 1 + x। रैशनलाइज किया, अब इसके बाद ऊपर 1 + x / 1 + x मीन 1 + x² डिनोमिनेटर में बेटा फार्मूला क्लोज करेंगे a + b (a - b), तो a² - b² साथ बेटा d ऑफ x। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 + x / √1 - x² साथ बेटा d ऑफ x। अब बेटा इस वैल्यू को 1 के नीचे अलग करें और x के नीचे इसको सेपरेट लिखें, मीन इस तरह से इसको लिखेंगे 1 / √1 - x² d ऑफ x और प्लस बेटा x / √1 - x² d ऑफ x। अब अगर आप गौर करें तो ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, 1 / √1 - x² किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन वापस बेटा साइन इनवर्स x, क्लियर, प्लस यहां से -2 से डिवाइड करेंगे और बेटा -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर बेटा ऊपर शिफ्ट करें -2 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे यही रूल यूज करेंगे, पावर रूल, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने साथ लिख दिया, x था -2 नहीं था क्योंकि इसका डेरिवेटिव है -2, तो मैंने खुद से -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई ताकि इसका डेरिवेटिव साथ आ जाए। अब आप पावर रूल यूज कर सकते हैं, आप यहां से प्लस माइनस माइनस, पावर में बेटा एक ऐड करेंगे और उसी पावर के साथ बेटा डिवाइड करेंगे और फाइनली हमारे पास आएगा साइन इनवर्स एक्स -1/2। इसका एलसीएम लेकर आना था बेटा 1/2, तो आप रिवर्स कर दो 2/1 और 1 - x² / 1/2, 2 कैंसिल, साइन इनवर्स एक्स -√1 - x² इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड्स हमारे पास है बेटा a + √bx + c, ठीक है। अब इसमें बेटा आप स्क्वायर रूट की वैल्यू को आप लेट कर लें, दैट इज इक्वल्स टू टी लेट कर लें, जेड लेट कर लें, थीटा लेट कर लें, वट एवर यू लाइक। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ स्क्वायर रूट की वैल्यू को बेटा टी लेट कर लें। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो bx + c = t². अब लेट की वैल्यू को आपको पता है कि आपने डिफरेंशियल फाइंड करना होता है बेटा, तो bx का डिफरेंशियल क्या होगा, dx, c कांस्टेंट है 0, इक्वल्स टू इधर आएगा बेटा 2t dt, b बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2/bt dt। अब ये वैल्यूज़ बेटा आप क्वेश्चन में पुट करेंगे, अब वैल्यूज़ पुट करें क्वेश्चन में तो हमारे पास देखें dx की जगह आ जाएगा बेटा 2/bt dt, अभी फिलहाल 1 लिखें और डिनोमिनेटर में a + t, यहाँ पे बेटा आ गया a + t और dx की जगह आप ये वैल्यू यूज़ कर दें 2/bt और साथ बेटा dt, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप 2/b को साइड पे लिखें, 2/b कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लें, अंदर ऊपर आ गया बेटा t/a + t। इसके बाद बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या आप ऊपर नीचे वैल्यूज को सेम कर सकते हैं बेटा, a + t है तो ऊपर भी a + t होना चाहिए, तो आप a को प्लस भी करेंगे और बेटा माइनस भी करेंगे, तो a + t - a/a + t और साथ बेटा dt 2/b। अब a + t को a + t के नीचे सेपरेट करें और बेटा -a के नीचे इसको सेपरेट करें, क्लियर, साथ बेटा dt, ये वैल्यू कैंसिल 2/b। मैं वैसे ही वैल्यू को सेपरेट कर रहा हूँ बेटा 1 dt और
साथ आ जाएगा माइनस ए बाहर इंटीग्रेशन के, वन ओवर ए प्लस टी और साथ बेटा डी टी। क्लियर? टू ओवर बी, वन की इंटीग्रेशन बेटा टी के मुताबिक दैट इज टी, और यहाँ पे नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर है ए प्लस टी का, तो रूल के मुताबिक नीचे वाली वैल्यू के साथ हम एल एन लिखेंगे, एल एन ए प्लस टी। अब बेटा लास्ट पे जाके टी की वैल्यू को दोबारा आपने रिप्लेस करना है, तो टी की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी, टू ओवर बी बेटा बाहर, स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी माइनस ए एल एन ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी इज आवर फाइनल आंसर। फोर क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन 10 बेटा स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका 1 ओवर, इसको इस तरह से लिख लें 1 ओवर tan inverse x और साथ 1 ओवर 1 प्लस x square d of x। तो बेटा tan inverse का जो डिफरेंशियल है वो हमें साथ नज़र आ रहा है, इसलिए आप tan inverse को लेट कर सकते हैं, क्योंकि tan inverse की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो अगर उसका डिफरेंशियल साथ नज़र आ रहा हो तो आप उस वैल्यू को लेट कर सकते हैं। तो लेट tangent inverse x equals to t। अब लेट की वैल्यू का डिफरेंशियल फाइंड करना है, टैन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 ओवर 1 प्लस x square dx, टी का डिफरेंशियल होता है बेटा dt। ये वैल्यूज बेटा पुट करें, 1 ओवर tan inverse की जगह बेटा टी आ जाएगा 1 ओवर t, और 1 ओवर 1 प्लस x square dx की जगह यूज करेंगे dt। क्लियर? अब 1 ओवर t की बेटा इंटीग्रेशन है ln ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट, लिखना लिख लें, नहीं लिखना तो नो प्रॉब्लम। अब टी की जगह बेटा आप लास्ट पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, दैट इज टैन इनवर्स एक्स। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11, इसमें आप डायरेक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, नीचे वाली के साथ एल एन लिख दें, लेकिन इसको लेट की मदद से भी किया जा सकता है, तो मैं इसमें लेट की मदद से करा देता हूँ ताकि एक दो स्टेप हमारा इंक्रीज हो जाए। तो लेट कर लें बेटा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल्स टू टी, साइन का बेटा डिफरेंशियल होगा कॉज एक्स डी एक्स, और कॉज का डिफरेंशियल होगा बेटा माइनस, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इन दोनों में से बेटा आप कॉमन ले लें डी एक्स, तो अंदर आप लिख लें साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, अरेंज करके, और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये वैल्यूज बेटा पुट करेंगे क्वेश्चन में, ऊपर साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, इन तीनों की जगह डी टी, और डिवाइड में बेटा आएगा हमारे पास जस्ट टी। अब आप इसे ऐसे लिख लें 1 ओवर t dt, 1 ओवर t की इंटीग्रेशन बेटा एल एन ऑफ टी, लास्ट पे टी की जगह आपने दोबारा टी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ये बेटा हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12, इसमें आप स्क्वायर रूट की वैल्यू को लेट करेंगे, एक स्टेप में आप इसको ऐसे लिख लें साइन स्क्वायर रूट एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx। तो स्क्वायर रूट एक्स को आप लेट कर लें बेटा टी, लेट स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू टी। तो लेट की हुई वैल्यू का बेटा आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो ये आएगा 1 ओवर 2 square root x dx इक्वल्स टू डी टी। 2 बेटा इधर से उधर शिफ्ट कर दें, 1 ओवर square root x dx इक्वल्स टू 2 dt। ये वैल्यूज बेटा पुट करें, साइन टी और 1 ओवर square root x dx की जगह आ जाएगा बेटा 2 dt। 2 बेटा आप बाहर लिख लें, अंदर आ जाएगा साइन टी डी टी। अब बेटा फाइनली साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, तो माइनस 2 cos t। टी की जगह बेटा दोबारा इसकी वैल्यू शिफ्ट करें, टी आपके पास था स्क्वायर रूट एक्स, तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 13 बेटा, इसको सॉल्यूशन में आप इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं ई पावर 2x कॉमन, अंदर आ गया 1 प्लस ई पावर x और साथ बेटा डी ऑफ एक्स। अब ये 2 स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ई बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा बेटा 1 प्लस ई पावर x और साथ डी ऑफ एक्स। अब आप इसको इस तरह से लिख लें, स्क्वायर रूट 1 प्लस और ई को आप डी के साथ लिख दें, ई पावर एक्स डी एक्स। अब बेटा आप इसमें लेट करेंगे स्क्वायर रूट की वैल्यू को, आप टी लेट कर सकते हैं बेटा, लेट स्क्वायर रूट 1 प्लस ex इक्वल्स टू टी। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 प्लस ex इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब लेट की हुई वैल्यू का बेटा आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो 1 तो 0 हो गया, ex का डेरिवेटिव ex dx डिफरेंशियल इक्वल्स टू 2t dt। ये वैल्यूज बेटा मैं पुट करूंगा इसमें, वापस यहां पे आ रहे हैं,
इस स्क्वायर रूट की वैल्यू की जगह टी आ जाएगा और ई एक्स डी एक्स की जगह बेटा आ जाएगा टू टी डी टी। क्लियर? अब टू बेटा बाहर ले आए, अंदर आ गया टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर की बेटा इंटीग्रेशन है टी क्यूब ओवर थ्री, टू बाय थ्री, और टी की जगह दोबारा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, दैट इज़ वन प्लस ई पावर एक्स की पावर वन बाय टू और सात बेटा थ्री, तो टू बाय थ्री वन प्लस ई पावर एक्स की पावर थ्री बाय टू इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, वन ओवर ई एक्स प्लस ई की पावर इनवर्स को आप लिखेंगे वन ओवर ई पावर एक्स और सात बेटा डी ऑफ एक्स। अब मजीद बेटा आप इन दोनों का एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर से, दैट इज ई पावर एक्स, ऊपर बेटे आ गया ई पावर टू एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स। थर्ड वैल्यू को फर्स्ट पे शिफ्ट कर दें, ई पावर एक्स डी एक्स ओवर ई पावर टू एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। अब आप इसमें लेट करेंगे, लेट ई पावर एक्स इक्वल्स टू टी। अब ई पावर लेट की वैल्यू का बेटा डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्लियर? अब ये वैल्यूज बेटा पुट करें क्वेश्चन में, ई पावर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा बेटा डी टी, और डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स की जगह बेटा क्या पुट करेंगे, टी, दैट इज टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस वन मीन वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर और साथ बेटा डी टी। अब ये फॉर्मूला है बेटा, दैट इज टैन इनवर्स टी। क्लियर? तो टैन इनवर्स का ये डेरिवेटिव है, इसकी इंटीग्रेशन वापस बेटा टैन इनवर्स टी। अब टी की जगह बेटा इसकी वैल्यू रिप्लेस करें, टी की वैल्यू आपके पास है ई पावर एक्स, तो टैन इनवर्स ई पावर एक्स इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 15 बेटा, इसमें आप लेट इसको आप इस तरह से बेटा एक स्टेप में लिख लें, ई पावर एक्स डॉट ई पावर एक्स डी एक्स, ई पावर टू एक्स को आप लिखेंगे ई पावर एक्स डॉट ई पावर एक्स डी एक्स, डिवाइड में बेटा स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। क्लियर? अब आप इसको लेट करेंगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लेट कर लें या आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को लेट कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, e पावर x माइनस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर, e पावर x डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी। क्लियर? ये बेटा वैल्यूज पुट करें, यहां से आप e पावर x की वैल्यू भी फाइंड कर लें क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड है बेटा, तो e पावर x इक्वल आएगा वन प्लस टी स्क्वायर। ओके बेटा, ये तीन वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, वन टू एंड थ्री, ये तीन वैल्यूज आप क्वेश्चन में बेटा पुट करेंगे, हमारे पास e पावर x की जगह आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवाइड इस वैल्यू की जगह बेटा आ जाएगा t, और e पावर x dx की जगह बेटा यूज करेंगे हम 2t dt। क्लियर? t t से बेटा कैंसिल, 2 कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके बेटा, फाइनली इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज t, और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटा टी क्यूब बाय थ्री। अब वापस टी की जगह टी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बेटा, तो टी आपके पास है स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस वन, स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस वन, और यहां पे बेटा आएगा स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस वन, स्क्वायर रूट को आप लिख लें वन बाय टू और साथ बेटा पावर है थ्री ओवर थ्री। क्लियर? इसके बाद बेटा टू इन टू हमारे पास बेटा आ गया स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट और इसकी होल पावर बेटा थ्री। अब इसमें से आप स्क्वायर रूट की वैल्यू को कॉमन ले लें, कॉमन आएगा आपके पास टू स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस वन, ब्रैकेट में यहां पे बेटा वन, और यहां पे बेटा क्या रहेगा स्क्वायर रूट ई एक्स माइनस वन क्यूब था, एक वैल्यू कॉमन तो बेटा स्क्वायर अंदर आ गया, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है ई पावर एक्स माइनस वन डिवाइड थ्री। अब बेटा ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसका आप एलसीएम लेंगे, ई पावर एक्स माइनस वन, एलसीएम बेटा आ गया थ्री, ऊपर आ गया थ्री प्लस ई पावर एक्स माइनस वन। ओके बेटा, फाइनल ई पावर एक्स माइनस वन इंटू e पावर x प्लस टू ओवर थ्री, और थ्री आप टू के नीचे लिख लें, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है बेटा, cos ln of x, cos ln of x over x d of x,
इसमें बेटा आपके पास जो एंगल है एल एन ऑफ एक्स, इसको हम लेट करेंगे, इसको इस तरह से लिख लें कॉस एल एन ऑफ एक्स डॉट वन ओवर एक्स और साथ बेटा डी ऑफ एक्स, लेट कर लें बेटा एल एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी एन का डिफरेंशियल वन ओवर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके बेटा ये वैल्यू स्पोर्ट करें, कॉस एल एन एक्स की जगह टी लिख दें कॉस टी और वन ओवर एक्स डी एक्स की जगह आप लिखेंगे डी टी। अब बेटा कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो है साइन टी, क्लियर। अब टी की जगह दोबारा इसकी वैल्यू रिप्लेस करें दैट इज साइन एल एन ऑफ एक्स। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 के। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। 17 को आप टू टाइप से कर सकते हैं, इस पे पावर रूल भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव बेटा साथ नज़र आ रहा है, इसकी पावर ऊपर शिफ्ट करके पावर रूल भी लगा सकते हैं या इसे आप लेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे इसको पावर रूल से बेटा करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की पावर बेटा ऊपर शिफ्ट करें दैट इज़ माइनस 1/2 और साथ है बेटा 2x प्लस 5। जी बेटा फंक्शन पावर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ नज़र आ रहा है तो पावर रूल यूज़ हो सकता है बेटा। पावर में फंक्शन की पावर में एक ऐड करें और उसी पावर से बेटा डिवाइड करें, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल पावर इसकी आएगी 1/2 और नीचे आएगा बेटा 1/2। अब 1/2 को आप लिख लें 2/1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल पावर बेटा 1/2। फाइनली इसको आप स्क्वायर रूट में लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। क्वेश्चन 18 बेटा, यहां पे भी पावर रूल यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पे अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें तो वो आएगा 4x प्लस 8। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो यहां पे आ गया 4x प्लस 8 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और साथ बेटा डी ऑफ एक्स। अब बेटे इसकी पावर को ऊपर शिफ्ट करें 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 होल पावर माइनस 1/2 और बेटा साथ 4x प्लस 8। अब फिर से बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर रूल यूज़ करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 19 बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड्स में बेटा है हमारे पास x की पावर 4। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो आप लेट करते हो एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा। अब लेट की वैल्यू का आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है दैट इज एक्स डी एक्स इक्वल टू ए सीकेंट की बेटा जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट थीटा टैन थीटा और साथ बेटा डी थीटा। वैल्यू स्पोर्ट करें बेटा, स्क्वायर रूट एक्स की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा और बेटा ए स्क्वायर एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आएगा बेटा हमारे पास एक्स की जगह ए पावर 4 सीकेंट 4 थीटा और डी एक्स की जगह बेटा आएगा ए सीकेंट थीटा टैन थीटा और बेटा डी थीटा। यहाँ से बेटा एक ए कैंसिल और एक सीकेंट कैंसिल, क्लियर। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें ए स्क्वायर, तो अंदर आ गया बेटा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है ए क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा और इधर है बेटा टेन थीटा डी थीटा, क्लियर। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे आप फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा ए टेन थीटा, ए टेन थीटा डिवाइड में बेटा आएगा ए क्यूब और साथ बेटा सीकेंट क्यूब थीटा और टेन थीटा डी थीटा। ओके बेटा ए के अगेन कैंसिल, 1/a² कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें। अंदर आ गया बेटा टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर डिवाइड्स कॉस स्क्वायर और सीकेंट जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाएगा तो ये लिख देंगे कॉस क्यूब, ठीक है। 1/sec क्या होता है कॉस, कॉस स्क्वायर बेटा कॉस से कैंसिल, फाइनली आ रहा है आपके पास 1/a² और यहाँ पे आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा और साथ है बेटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन पावर फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा साथ है तो पावर रूल यूज़ कर दें।
वन बाय ए स्क्वायर, तो साइन क्यूब थीटा ओवर थ्री। ओके बेटा, फाइनली वन ओवर थ्री ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, इक्वेशन वन कह के इसको रोक दें। हमारा क्वेश्चन बेटा एक्स में है, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, एक्स में। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो साइन थीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, जिसको आपने लेट किया है उसको आप दोबारा से लिखेंगे। सेंस हमने बेटा किसको लेट किया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, क्लियर। अब यहां से आ जाएगा बेटा एक्स ओवर ए इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। सीकेंड से आप फाइंड करेंगे बेटा टेन, फॉर्मूला यूज करें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन वन सॉरी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। सीकेंड की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, दैट इज एक्स ओवर ए, इसका आप स्क्वायर ले लें माइनस वन। तो बेटा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर एलसीएम ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू है बेटा टेन स्क्वायर की, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टेन की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड्स ए, लेकिन आपको साइन चाहिए। अब इसके बाद आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, आल्सो टेन का एक बेटा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज साइन ओवर कॉस। आपको साइन चाहिए, तो कॉस डिवाइड हो रहा है इधर, आ क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा आपके पास यहां से कॉस की वैल्यू ये देखें, सीकेंड, सीकेंड का रिवर्स बेटा कॉस, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स ओवर ए है, तो कॉस क्या होगा बेटा ए ओवर एक्स, तो यहां पे ए ओवर एक्स यूज करें। और टेन की वैल्यू मैंने फाइंड की है, दैट इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए इक्वल टू साइन थीटा, ए से कैंसिल। तो फाइनली साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है बेटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स। ये वैल्यू बेटा सीधी आप पुट इन वन करेंगे, साइन की वैल्यू पुटिंग इन वन, वन पे वापस आएंगे बेटा, वन ओवर थ्री ए स्क्वायर, साइन की जगह आप ये वैल्यू यूज कर दें बेटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स का होल क्यूब। फाइनल बेटा वन ओवर या ऊपर आप लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, और नीचे बेटा थ्री ए स्क्वायर एक्स क्यूब इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 तीनों बेटा एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 हमारे सामने है, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, मीन्स इसको हम लिखेंगे कॉस फोर एक्स और साथ बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और या कॉस सिक्स को बेटा एज इट इज रहने दें, साइन को ब्रेक करके यहाँ पे लिख लें कॉस सिक्स एक्स, साइन को आप लिखें बेटा साइन स्क्वायर एक्स और साथ साइन एक्स डी एक्स। तो साइन क्यूब को ब्रेक करके लिख लिया साइन स्क्वायर और साथ साइन एक्स। अब बेटा मजीद कॉस सिक्स एक्स, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। अब आप कॉस को लेट करें ताकि ये वैल्यू डिफरेंशियल बेटा आपके पास आ जाए, तो हम लेट करेंगे इसमें से कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस राइट साइड पे शिफ्ट करें साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ओके बेटा वैल्यूज पुट करें, कॉस की जगह क्या आएगा टी, यानी टी सिक्स इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी, क्लियर बेटा। माइनस बाहर शिफ्ट कर दें, अंदर t को मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ये आ गया t6 माइनस t8 और साथ dt। टी नाउ वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन, t6 की इंटीग्रेशन है t7 बाय 7 माइनस माइनस प्लस t9 बाय 9। फाइनली t की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करें, दैट इज cos x मीन cos 7x ओवर 7 प्लस cos 9x ओवर 9, फाइनल आंसर d1। टेन क्यूब एक्स और साथ बेटा हमारे पास है सीकेंड क्यूब एक्स, सीकेंड क्यूब एक्स और डी एक्स। ओके बेटा इसको आप ब्रेक करेंगे टेन क्यूब में से एक टेन और सीकेंड क्यूब में से एक सीकेंड, बेटा इसको ब्रेक करके हम अलग से लिखेंगे, मींस ऐसे लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, और एक एक वैल्यू को आप साइड पे कर दें सीकेंड एक्स टेन एक्स, क्लियर स्टूडेंट्स।
ओके बेटा, अब आपने ऐसी वैल्यू को लेट करना है कि ये डिफरेंशियल बने इसका, सीकेंट एक्स टैन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट का, मीन आप टैन स्क्वायर को का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, और साथ बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट एक्स टैन एक्स। फाइनली बेटा आप लेट करेंगे अब सीकेंट एक्स को, सीकेंट एक्स इक्वल्स टू टी, अब सीकेंट का डिफरेंशियल फाइंड करें, दैट इज सीकेंट एक्स टैन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये वैल्यूज बेटा पुट करें, सीकेंट की जगह टी आ जाएगा, जहां जहां सीकेंट है वहां टी पुट करें, टी स्क्वायर माइनस वन, और बेटा बाहे टी स्क्वायर, सीकेंट एक्स टैन एक्स डी एक्स की जगह बेटा डी टी यूज करें। अब टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया टी फोर माइनस टी स्क्वायर, बाहर बेटा डी टी, टी फोर की इंटीग्रेशन है टी फाइव बाय फाइव, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन है टी क्यूब बाय थ्री। फाइनली टी की जगह आप टी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, दैट इज सीकेंट एक्स, यानी फाइनल आंसर इज सीकेंट फाइव एक्स ओवर फाइव माइनस सीकेंट क्यूब एक्स ओवर थ्री इज आवर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन बेटा 22 क्वेश्चन है ये बेटा हमारे पास है, कॉट क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन कॉट क्यूब एक्स, और साथ है बेटा कॉसिकेंट क्यूब एक्स। सॉरी कोसिकेंट 4x, पावर 4 है इसकी बेटा। ओके बेटा, इसमें हम कोसिकेंट 4 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं कॉट क्यूब एक्स, और साथ बेटा इसमें हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और साथ बेटा डी एक्स। मजीद इसको ब्रेक करना है आप तो कॉट क्यूब एक्स एज इट इज, कोसिकेंट स्क्वायर को आप लिखेंगे बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज, इसमें बेटा हम लेट करेंगे कॉट को, कॉट एक्स को लेट किया टी, और लेट की वैल्यू का डिफरेंशियल फाइंड करें, कॉट का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और t का डिफरेंशियल होगा बेटा डी टी, माइनस राइट साइड पे शिफ्ट करें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ओके बेटा वैल्यूज पुट करें, कॉट की जगह लिख दें t, t क्यूब इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह बेटा यूज करेंगे माइनस डी टी, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर लिख दें, t को अंदर मल्टीप्लाई करें, दैट इज टी क्यूब प्लस टी पावर फाइव। फाइनल बेटा इंटीग्रेशन टी क्यूब की इंटीग्रेशन है टी फोर बाय फोर, और टी फाइव की इंटीग्रेशन है टी सिक्स बाय सिक्स। टी की जगह दोबारा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें बेटा कॉट, तो यहां पे आ गया कॉट फोर एक्स ओवर फोर माइनस कॉट सिक्स एक्स ओवर सिक्स इज आवर फाइनल आंसर। तो इस लेक्चर में बेटा हमने 1 से 22 तक कंप्लीट किए क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 23 से 40 तक कंप्लीट